Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुद्दे तो एक ही चल रहा है बस कोटा का, और तो सब ठीक है यहाँ पे एयरपोर्ट वाला, बस वो हो जाए और क्या चाहिए यहाँ कुछ। कोटा इतने बढ़िया बढ़िया पौधे तैयार कर करके देश विदेश में नाम कमा रहा है, भेज रहा बच्चों को तैयार करके, तो उनके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। सर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है यंग जनरेशन के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए। सर महंगाई भी है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इस पर जरूर काम करेगी। कोटा बूंदी सीट पर भी मतदान शुरू हो गया है, आप देखेगी लंबी लंबी कतारें यहाँ लग गई है वोट डालने के लिए, लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। राजस्थान में गर्मी को देखते हुए भी आप देखें यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर, वोटर्स के लिए यहाँ टेंट लगाया गया है, पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो डलवाया जा सके, क्योंकि जो पहले चरण में राजस्थान में जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा था, तो राजस्थान में इस भयंकर गर्मी को देखते हुए ये पूरी व्यवस्थाएँ की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स आ सकें मतदान करने के लिए। आप देखिए कि यहाँ सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाए गए हैं और लंबी लंबी कतारें लगी है, करीब 10 मिनट से पहले यहाँ वोटिंग शुरू हुई है, 7 बजे का समय था पर 6:30 बजे से यहाँ कतारें लग गई थी। आप देखिए लंबी लंबी लाइनें सुबह सुबह लग गई है, कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के? मुद्दे तो एक ही चल रहा है बस कोटा का, और तो सब ठीक है यहाँ पे एयरपोर्ट वाला, बस वो हो जाए और क्या चाहिए यहाँ कुछ। कोटा इतने बढ़िया बढ़िया पौधे तैयार कर करके देश विदेश में नाम कमा रहा है, भेज रहा बच्चों को तैयार करके, तो उनके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था तो होनी चाहिए, यही मुद्दा है। तो देखिए कि एयरपोर्ट के मुद्दे की बात ये कह रहे हैं, हम आपको बता दें कि जो भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला इसी बूथ पर आएंगे वोट डालने के लिए, और उनके सामने कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, युवा वोटर्स भी है जिनसे भी हम बातचीत करें। क्या मुद्दा है, मुद्दे आप लोगों के? सर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है यंग जनरेशन के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए। सर महंगाई भी है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इस पर ज़रूर काम करेगी। थैंक यू। तो आज देखिए कि कोटा में 20,88,753 मतदाता यहाँ वोट डालेंगे, महिलाएं भी बड़ी संख्या में देखिए पहुंच रही हैं, ये यहाँ पर केंद्र ये बनाया गया है। आप देखिए कि मतदान स्थान पोलिंग स्टेशन है ये, यहीं पर जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला वो यहाँ वोट डालेंगे, लोग हैं वो यहाँ वोट डाल रहे हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, करीब 1507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कोटा में, उन पर 20,88,853 मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे। कुल 10,72,799 पुरुष है, 10,15,224 महिलाएं लोकतंत्र चुनाव प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। ऐसे में महिलाएं हों पुरुष सबके अलग अलग यहाँ लाइनें बनाई गई, आप देखिए कि लगातार सुबह से ही लाइनें लगी हुई है, भयंकर गर्मी है। आप देखिए कोटा में जो सुबह 6 बजे से ही 6:30 बजे से लोग पहुंच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वोट डाल दिया जाए, यहाँ टेंट लगाया गया, उसके बावजूद भी आप देखिए धूप कितनी भयंकर है और लोग हैं वो सुबह सुबह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी चला जाए और वोट डाल दिया जाए, क्योंकि काम पे भी लोगों को जाना होता है तो सुबह वोट डाल रहे हैं और गर्मी से बचा जाए। ये शक्तिनगर का बूथ है 29, इस पर ही ओम बिरला आएंगे और यहाँ मतदान करेंगे। ऐसे में गर्मी को देखते हुए सारी यहाँ व्यवस्था की गई है, हालांकि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है कि उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनको व्हीलचेयर के जरिए वोट डलवाया जा सके। इसमें सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की गई है, पर करीब 8 बजे यहाँ जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है वो पहुँचेंगे इसी मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए, और यहाँ 8 बजे आकर वोट डालेंगे। ऐसे में लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, भयंकर राजस्थान में गर्मी है इसको देखते हुए, और चुनाव आयोग वो भी कोशिश की जा रही है कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्थान में पहले चरण में जो वोट प्रतिशत था वो कम था, उसको बढ़ाने के लिए सारी जो मतदान केंद्र उन पर व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं।
राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर।